तुम रियल पार्टी हो ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द व्लॉग। एंड आज है 27th ऑफ मार्च। एंड जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे हैं लेंसडाउन। कुछ हमारा काम है, वो काम क्या है आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा, तो इस व्लॉग में बने रहिए टिल एंड। मेरे को उसका फ़ोन आया था तो वो ISBT पे आ गया, वो मुझे ISBT में मिलेगा तो मैं उसे पिकअप करूँगा। और हम जा रहे हैं आज स्कूटी से, तो उसे मैं पिकअप करूँगा ISBT से, देन चलेंगे हम लेंसी डाउन। फर्ज से भरा था बस तब वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल कर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर, फाइनली मैं और मेरा फ्रेंड हरिद्वार पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे हरिद्वार वाली नदी, और ये वही चंडी पुल है, और ये मेरे साथ मेरा ड्राइवर है, मेरा आज का ड्राइवर यही है सिद्धांत गोसाई। मेरा आज का ड्राइवर है ये। फाइनली हम लोग ढाबे पे रुके अभी, एंड ये ढाबा है हरिद्वार से 2-3 किलोमीटर आगे। अगर तुम हरिद्वार से कोटद्वार की तरफ जा रहे हो तो ये बीच में पड़ेगा, और अगर कोटद्वार से तुम हरिद्वार आ रहे हो तो भी ये बीच में पड़ेगा, और हरिद्वार से लगभग है 2-3 किलोमीटर आगे। ठीक है, तो अभी हम रुके हैं, और इसने बोला था मुझे रुकने के लिए, मुझे चाय पकौड़े खाने थे इसको, और ये हमारे पकौड़े तो आ चुके हैं, देखो ये रे पकौड़े, बट अभी चाय नहीं आई है, चाय आ रही है। गाइस ये चाय भी आ चुकी है यहाँ पे, और चाय इसकी फेवरेट है। चाय कभी ना भूलोगे, कभी भी उत्तराखंड में आओ चाय कभी ना भूलोगे, तुम रियल पहाड़ी हो ही नहीं। हो भाई, मारो मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।
गाइस ये वही ढाबा है जिसमें हमने चाय पकौड़े खाए थे। सो गाइस अभी हमने गढ़वाली ढाबे से चाय और पकौड़े खाए, बहुत ही टेस्टी हो रहे थे। आप लोग भी विजिट करना ज़रूर, जब अगर कोटद्वार जाओ या हरिद्वार जाओ, कोटद्वार से हरिद्वार आओ ज़रूर जाना गढ़वाली ढाबा, नीचे पड़ता है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं भाई। और अब हम निकल चुके हैं कोटद्वार के लिए, तो अब मैं डायरेक्ट आपको सीधा कहाँ मिलूँगा, कोटद्वार मिलूँगा, ठीक है। सो गाइज फाइनली मैं कोटद्वार पहुँच चुका हूँ एंड अभी हमने रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया एंड खाना खाने के बाद हम निकल चुके हैं फिर से लेंस राउंड के लिए। अब यहाँ से 5 मिनट्स का रास्ता बचा हुआ है लेंस राउंड के लिए एंड ये मेरे पीछे चौकी देख रहे होंगे आप, ये नई चौकी बनी है एंड ये है कुमार, ये है सिद्ध अली स्वीट शॉप पीछे, और ये गाइज आगे है झंडा चौक, ये है झंडा चौक और यहाँ पर ये है तिरंगा और ये झंडा चौक भारत माता की जय, और झंडा चौक और यहाँ पे देखिए दिवाली, दिवाली मैंने गलत बोल दिया सॉरी, होली म्यूजिक, होली की सेल्स लगी हुई यहाँ पे, होली के रंगों की, गलती से निकल गया मेरे मुंह से, मुझे माफ कर दो। हाय हाय बड़ा अच्छा स्मूथ था इसका भाई का टर्न। ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है, वो जो गरीब पास नहीं हम गरीब बात फिर भी जी चारी ए। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा, जाके पीछे छिप डराग इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे ला, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला। तो गाइस फाइनली मैं दुगड्डा पहुंच चुका हूं एंड दुगड्डा में भी रुका हूं मैं यहां पे, मैं बचपन से ही मतलब जब भी मैं गाँव जाता था दुगड्डा में रुकते रुकते हम लोग अंडगड्डा में, हम लोग यहाँ पर ये जो शॉप है पीछे ये शॉप दिख रही है, यहाँ पे बन टिक्की वगैरह मिलती है, बन टिक्की गोलगप्पे चाउमीन वगैरह मोमोज वगैरह मिलते हैं एंड इस तरफ एक और शॉप है मैं दिखाऊंगा, ये शॉप है वहाँ पे जो है उसमें खीरे मिलते हैं और अभी मेरे लिए खीरे लेकर आया है, ये दूसरी प्लेट है मेरी खीरे की, बहुत ही टेस्टी है, देसी खीरे हैं घर के खीरे हैं तो मज़ा आ रहा है खाने में इनको एंड अभी मैं दोबारा जाऊँगा तो बन टिक्की भी खा के जाऊँगा शायद से यहाँ से
तू खाएगा बन टिक्की? बाहर की चीज छोड़ दी भाई ने, तो बाहर की चीज छोड़ दी है देखा, तभी तुम्हारे से ये फैमिली पैक निकल रहे ना अबे, तो इसलिए हो गया। अबे फिर बाद में फैमिली डाइटिंग पे रहो, ठीक है? अबे उसके बाद में डाइटिंग रहना ही रहना ना। इतना नमक कौन डलवा के लाता भाई हो? ये इसके काम है भाई, तुम पहाड़ी हो, तुम इसके काम है, तुम पहाड़ी हो। इतना नमक डलवा के लिया उसने, देखना। तो गाइस फाइनली मैंने बन टिक्की खा ली और बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनी हुई थी। इसने भी, इसको भी खिला दी मैंने, ये मना कर रहा था ना पहले, नहीं खाऊंगा, इसका भी मैंने खिला दी। मैंने आज चीट करा है, चीट नहीं किया मैंने, खा ली। इसकी भी मुंह में पानी आ गया था, इसने भी खा लिया। नहीं, इसके मुँह में पानी आया था, मैं खा रहा था, मुझे देख के पानी आया, इसने बोला मुझे भी चाहिए, इसलिए मैंने इसे भी खिला दिया आज। बट गाइस बहुत ही यम्मी बनी थी। जब भी आप लेंसडाउन जाओ या कोटद्वार जाओ तो ज़रूर खाना यहाँ पे दुगड्डा के पास में से। गाइज बहुत ही अम्मी बनाई थी अंकल ने। जब भी आप कभी जाओ कोटद्वार, अगर सतपुली से कोटद्वार जाओगे या कोटद्वार से सतपुली जाओगे तो दुगड्डा पीछे पड़ता है, तो ज़रूर खा के जाना, बहुत अम्मी है। अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा कहाँ, लेंसडाउन में मिलूँगा। तब तक आप इंजॉय करो नेचर को, ठीक है? धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कथगरों तेल स्वाणी चा हो, कथगरों तेल स्वाणी चा। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कथगरों तेल स्वाणी चा। पंच पांडव बियन यख भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। कुंड चिन यख काच चिन, मट यख महान चिन, मट यख महान चिन, मट यख महान चिन। ताल सहस्त्र घाट फूल की आसमान चिन, सबू की भूख तीस बुझानी चाहो। तो
गाइस आप मेरी पीछे लोकेशन देख सकते हैं, ये लैंसडाउन से है लगभग 5-6 किलोमीटर नीचे की लोकेशन है और वहाँ से ये व्यू है। अब मैं चला रहा था गाड़ी तो सडनली मुझे रुकना पड़ा क्योंकि लोकेशन इतनी ख़तरनाक है, तो रुकना पड़ा मुझे, छोटा सा शूट किया मैंने। तो लोकेशन देखो मेरे पीछे कितनी सेक्सी लोकेशन है, थोड़ा सा कोहरा है बट आपको दिख नहीं रहा होगा, जब इस खाली साफ़ हो जाता है तब देखना कि कितना सेक्सी लोकेशन है ये। तो गाइज जो भी मतलब उत्तराखंड के बाहर से और इस ब्लॉग को देख रहा है तो मस्ट विजिट करना उत्तराखंड में लैंसडाउन प्लेस को, यहाँ से जो व्यू मिलता है लैंसडाउन से बहुत ही शानदार व्यू मिलता है, तो आप व्यू को इन्जॉय करिए। एंड गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लैंसडाउन, और यहाँ से लैंसडाउन का जो आर्मी कैंट है वो स्टार्ट हो जाता है। ये है आर्मी कैंट, यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू द गढ़वाल राइफल गाइस, दिस इज आवर रेजिमेंट सेंटर, गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर, गढ़वालियों का गढ़वाल द होम ऑफ गढ़वाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डे। आज है 28th of March एंड अभी शाम के 5 बज रहे हैं। एंड आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो शाम को क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने बोला था कि मैं लैंसडाउन जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ, तो मेरा वो काम ये था कि हमारा आज आर्मी रिक्रूटमेंट टेस्ट था गढ़वाल राइफल में, वो था 11 बजे से, तो 11 से 12 हमारा एग्ज़ाम था, उसके बाद 1 बजे हम वहाँ से छूटे। तो छूटने के बाद मैंने वहाँ ब्लॉग स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आज हम सबका मूड ऑफ था, क्योंकि जो पेपर आया था वो बहुत ही हार्ड भी बोल सकते हो आप, और हमारे सर के ऊपर से क्या पेपर हो, तो हम सबका मूड ऑफ था, तो मैंने वहाँ स्टार्ट नहीं किया। तो मैं डायरेक्ट लैंसडाउन से डायरेक्ट यहाँ पर आया अमृत पंजाब ढाबा, पंजाबी ढाबा, तो ये बहुत ही मस्त ढाबा है, लगभग कोटद्वार से है ये 10 से 12 किलोमीटर आगे अगर आप देहरादून की तरफ जाओगे, तो बहुत अच्छा ढाबा है, आप ज़रूर आना, इसमें विज़िट करना और खाना, यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं खाना।